दोस्तों अगर आप भी भारत को एक जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली श्रृंखला अचानक से रद्द कर दी गई और इसके पीछे न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा की कमियों को लेकर वजह बताई है। दोस्तों पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा की लापरवाही को देखकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कुछ ऐसा कह डाला जिसको सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम बेहतरीन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान जैसे देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा से मसला रहा है। जब से पाकिस्तान में 2009 में श्रीलंकाई टीम के ऊपर आतंकी हमला हुआ था तब से कई देशों ने ये फैसला कर लिया था कि वो कभी पाकिस्तान में कोई भी श्रृंखला नहीं खेलेंगे, लेकिन अब एक लंबे समय के बाद कई देशों ने पाकिस्तान में श्रृंखला खेलने की अनुमति जाहिर कर दी है। जहां न्यूजीलैंड की टीम श्रृंखला खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई थी लेकिन उन्होंने पहला मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया और इस कारण इस मुकाबले के साथ साथ इस पूरी सीरीज को रद्द करना पड़ा। दोस्तों इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी वहां पर मुकाबला खेलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जिस कारण न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से बात कर इस श्रृंखला को रद्द करने की मांग उठाई। दोस्तों इस वाक्य को देखकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की जा रही है। बता दें सबसे पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान जैसे देश जो खिलाड़ियों तो क्या वहां के खुद के नागरिकों के लिए भी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आखिर कोई देश कैसे पाकिस्तान जैसे देश में श्रृंखला खेलने के लिए तैयार हो सकता है जहां पर खिलाड़ियों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और उनके क्रिकेट बोर्ड को अकल आ गई है तो उन्होंने श्रृंखला को रद्द करने का फैसला लेकर काफी समझदारी दिखाई। दोस्तों इसके बाद भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अपने बयान में कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अचानक पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर सीरीज रद्द करने का फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया है। ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है। अगर कोई टीम किसी देश में जाकर सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो इस बात पर काफी ज्यादा चिंतन करना चाहिए। जहां आतंकवाद खुलेआम किया जाता है उस देश में कोई भी श्रृंखला कराने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और वो चाहेंगे कि जो समस्या पाकिस्तान में देखने को मिल रही है इस पर ICC कड़े कदम उठाएं और इन हालातों में सुधार लाने की कोशिश करें। दोस्तों इसके बाद BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने इस वाक्य पर अपने बयान देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अगर पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने श्रृंखला को रद्द कराने की मांग उठाकर एकदम सही किया, क्योंकि खिलाड़ियों के खेल से पहले उनकी सुरक्षा और जो परेशानी उनको पाकिस्तान में देखने को मिल रही है उसकी उन्हें ICC से शिकायत करनी चाहिए और ये दौर पास करना चाहिए कि आगे कोई भी देश पाकिस्तान जैसे देश में श्रृंखला कराने का कोई विचार ना करे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने सुरक्षा की लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए श्रृंखला को रद्द कराकर सही फैसला किया या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।